हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। रोही बहुत अच्छी लग रही है। रोही क्यूट क्यूट लग रही है। रोही आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो अभी दर्शकों को कुछ पता नहीं है। अभी क्या है कि बहुत बिजी रहते हैं जेहो विलेज में। 7 मैरिज एनिवर्सरी है आज, तो अभी कृपाल भाई है ना, उसकी भी आज है। और कल रात पूरी रात आरोही को बहुत बुखार हो गया था और बहुत परेशान हो रही थी, और मैं भी इतनी टेंशन में आ गई थी, तो अभी उसको अच्छा है, अभी सो गई है। पापा और मम्मी एनिवर्सरी। अभी बाबू के पास चलते हैं। आज क्या है, क्या है बाबू? क्या आपको पता नहीं है आज कृपाल भाई की एनिवर्सरी है। आज तुमने याद नथी ना आज मैं फोन कर दी था ने? अरे वाह, जो हमारी पहला तुमने तो खबर जो शू बात छे। आज क्या है खाने में? आज हमारी एनिवर्सरी है, 7 एनिवर्सरी है, और अभी दर्शकों को कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी मैं जाकर उसका पैर छू के आशीर्वाद लूंगी। और उसको पता है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जाकर देखती हूँ। चलिए, दर्शक है रूम में, उसको भी कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे दर्शक आ गए है। हेलो दर्शक। हेलो, क्या है आज? आज आज क्या है, क्या है आपको नहीं पता कुछ? कुछ है स्पेशल है, और आज मेरे को पता नहीं है। किंजल, सुबह से तुम फोन लेकर घूम रही हो, मतलब कुछ तो है। लेकिन मुझे पता नहीं है क्या है। ओ, आपको सोचना पड़ेगा क्या है। तो, आज बर्थडे है किसी का? बर्थडे नहीं है, अभी आपको मैं पैर छू के आशीर्वाद लेने वाली हूँ। अच्छा, शायद आपको पता चले या ना चले वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी पैर छू लिया आपका। अच्छा ऐसा है? हाँ, पैर छू लिया, देखो अभी भी पता नहीं चला। सोचो। नहीं, मुझे नहीं पता। चलो आंखें बंद करो, तो आंखें बंद करो, मैं खोलू तभी खोलना, ठीक है? ओके, 1 2 3 मैं अभी खोलना मत, ठीक है? हैप्पी एनिवर्सरी। आपको पता था है ना? तो मुझे पता था, किंजल सुबह से लेकर फोन लेकर घूम रही थी, और उसको लग रहा था कि मेरे को पता नहीं है, तो मैं जानबूझ के उसको घूमने दे रहा था। मैं सुन रहा था कि हर साल मुझे पता होता है ना, तो आज है हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी, तो आज कुछ स्पेशल होने वाला है, और क्या होने वाला है आप खास देखेगा। कोई बात नहीं, आप हमारा काम बेस्ट है, क्योंकि आप जेहो विलेज की इतनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, तो करना चाहिए, पहले दोपहर का व्लॉग जरूर देखना सब, बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही अच्छा है। तो खास वेडिंग एनिवर्सरी तो है ही है, जिसको हम हेल्प करके आते हैं, और उनसे जो खुशी मिलती है ना, वो माइंड ब्लोइंग होती है। वैसे तो थोड़ा बहुत भूल गया था, वो उधर गई ना तो बोल रही थी, तब मुझे मालूम पड़ गया कि किंजल वेडिंग एनिवर्सरी है, उसके बाद मुझे याद आया, और उसके बाद मैंने स्ट्रिक अपनाई, तो मुझे पता नहीं था। लेकिन क्या काम के सिलसिले में, और जो कोई भी दुखी होता है उनको हेल्प करने में, सही करने में जितना आनंद मिलता हो गए इसमें, मतलब उसमें जितना आनंद मिलता है ना, लगता है कि वो भी बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है ना किंजल। तो आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है, शाम को डोसा के साथ एंजॉय भी करने वाले हैं, तो वो भी जरूर देखिए। आज डोसा है? यस, मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट है आज। अच्छा, तो आज किंजल डोसा बनाने वाली है स्पेशल, वो भी देखो, तो वो भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो आज खुशियों का दिन मनाते हैं, का एंड तक देखिए, मजा आएगा। आरोही को बहुत ही बुखार ज्यादा हो गया है, वो 3 वैक्सीन देने के बाद, तो अभी उसको एक बार हॉस्पिटल जाके आते हैं। एनिवर्सरी है, लेकिन फिलहाल इनकी तबीयत पहले देखनी है, ठीक है? तो चलिए किंजल, जल्दी जल्दी हम हॉस्पिटल जाके आते हैं, ठीक है? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बाय बाय। खाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया। अभी सोना नहीं है? नहीं। ट्यूशन में जाना है? नहीं जाना। होमवर्क भी अभी बाकी है? बाय बाय। सभी बजे हैं 4, और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज शाम को मुझे डोसा बनाना है। आज मैं डोसा बनाने वाली हूँ, तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी आरोही सो रही है, तो बाद में उठ जाएगी, तो मुझे कुछ करने नहीं देती। अभी क्या है कि उसको भी बुखार है, बहुत रो रही थी अभी, अभी उसको भी अच्छा नहीं लगता और हमको भी अच्छा नहीं लगता, टेंशन होता है। अभी सो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत किचन में जाकर बहुत रेडी कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सब वेजेस रेडी कर लिया है, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, चलिए। तो अभी दर्शक आ गए हैं रोहित को ट्यूशन छोड़ के, तो अभी आज डोसा बनाने वाली हूँ, तो आपको आज बहुत
यार से खिलाने वाली हूँ। क्या बात है, क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है तो कुछ बनता ही है। यार तो स्किंजल का स्पेशल कुछ बनाने वाली अलग से ढोसा भाई, तो देखते हैं किस तरह कैसा बनाते हैं। ठीक है, बस आज खुशी का बल भी है, थोड़ा गम वाला भी है, भी है थोड़ा। आरोही की तबीयत थोड़ी बुखार वाली है ना, इसलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं डोसा पे। वीडियो एंड तक देखना। क्या बड़ी कैसे हो गए अभी? मुझे यहाँ पे मच्छर काट लिया, बटकू भरी ली दू। अच्छा, मच्छर बटकू भरी ली दू, मच्छर ने काट लिया है, इसलिए थोड़ा सूजन आ गया है। यहाँ पे सब वेजेस रेडी कर दिया है सबको। ओके, मैसूर डोसा बनाने वाले, मैसूर डोसा। ओके चलिए प्रोसेस करते हैं शुरू। इंग्लिश चाट हो गया आज। ओ हो वाह, इतना टेस्ट में बनाने वाली हूँ। क्या बात है, क्या दिल से बनने का की दिल से बनने का है आज। दादा बोल रहे थे मैं, मुझे भी खाना है आज डोसा, मुझे मुझे खिचड़ी कढ़ी नहीं खाना है, मैं भी आज टेस्ट करूंगा, कभी किया नहीं है लेकिन अभी फर्स्ट बार करने वाला हूँ। अच्छा, तो दादा का भी रिएक्शन देखेंगे और सबका रिव्यू लेंगे और सबको पूछेंगे कैसा कैसा लगा। ठीक है, तो 100 में से देखते हैं किंजल को कितना मार्क्स मिलता है। ठीक है, किंजल के एंड में देखते हैं पास होती है ना पास। ओके, पास ही होने वाली हूँ। डोसा के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है चटनी। भी मैंने सब इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिया है। क्या बघार हो रहा है किचन? चटनी का। वाव, बहुत ही बढ़िया वगार कर दिया है किंजल ने। किंजल इसमें क्या क्या डाला है? इसमें तो राई और कड़ी पत्ता और उड़द की डाल आती है ना, उड़द की डाल उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मसाला डोसा की बहुत ही बढ़िया प्लानिंग हो रही है, हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत ही बढ़िया जा रही है, अभी कोई टेंशन। और एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज आया है, वो दे दो, है ना? ठीक हो गया है। हाँ, भी नहीं गया, चला गया, चला गया है। तो अभी वो किंजल को बहुत ही टेंशन था कि भाई इसका इसमें भी ध्यान हो गई अभी। हाँ, बहुत खुश हो गया। आरोही को क्या हो गया, पहले एकदम से बुखार था कल रात को और अभी भी उतर नहीं रहा था, फिर हमारे एक अमरेल एक डॉक्टर है तो उनको कॉल किया, उसने बोला वैसे हमने किया तो तुरंत ही ताव उतर गया और खेलने लगे हैं, उसके मुंह पे लाइट आ गई, लाइट आ गई। हाँ, वो खुश हो गई तो ये भी खुश हो गए और ये खुश हो गई, अभी देखो क्या आप खुश हो गए। मैं तो खुश हो ही जाता हूँ, लेकिन अभी क्या बनेगा देखो, डोसा भाई है ना, लाजवाब डोसा अभी बनेगा, आपको बताते रहेंगे, एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आया। किसने भी दो पैर का ब्लॉग नहीं देखा खास देख लीजिए। किंजल तुम्हें वो ब्लॉग देख के कैसा लगा? रोना चाहता है देखने के बाद। हमने सिलाई मशीन लेकर दिया उसको तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे वो सिलाई मशीन वो देख के इतनी खुश हो रही थी ना। हाँ, मैंने देखा, उसने बोला कि भैया अभी मैं देखो घर को कितना मस्त चलाती हूँ। हम उनको कंटिन्यू आपको दिखाते भी रहेंगे, आप हमारी फैमिली हो यार, आपको हम हर बात शेयर करते हैं, प्राउड है आप सब पे। कर देते हैं अभी डोसा बना। हाँ, मैं और किंजल मिल चुके हैं तो अभी डोसा मैं खाऊंगा, ये बनाएगी। तो चलो प्रोसेस दिखाते हैं। खीरू रेडी हो चुका है, टमाटर की ग्रेवी है। सब वेजेस मैंने कुकर में रखा था ना। अच्छा, वो पूरा क्रश मतलब मैश हुआ है। ये वगार कीजिए फिर। लट वाली किंजल ताड़ बड़ाटे के साथ, फिर उसके बाद गया थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, गया मटर की ग्रेवी, टमाटर की ग्रेवी, बाप रे गजब हो गया पूरा गजब। धुआं धुआं छा गया भाई, धुआं धुआं, और ये बन गई ग्रेवी। अभी सब मसाला डालेंगे। क्या बात है किंजल, स्मेल आई उस तरह की, डोसे वाली फीलिंग है थोड़ी, डोसे वाली चटनी डाल दी। ओके, चटनी डाल के थोड़ा मिक्सिंग कर दिया। वाह, तुम्हें क्या खाना है? डोसा। इसमें डाला जीरू, दाना जीरू, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अभी रेडी नहीं हुआ, अभी प्रोसेस चल रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, तो प्रोसेस खत्म कब होगी किंजल? अभी ये डालने के बाद मैं आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। हाँ, तो ऐसे ही खा लो ना। तो मुझे नहीं, मना नहीं, नहीं मेहनत क्यों करे मैं? अच्छा नहीं, मैं वेट कर लूंगा और क्या। धीरज का फल मीठा होता है। अच्छा, ओहो हो, धीरज रखो थोड़ी। अच्छा 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 अच्छा, धीरज रखते हैं और क्या, धीरज का फल मीठा है। मैंने धीरज रखी 24 साल धीरज रखी थी, इसलिए मैंने ये फल पाया। देखो ये फल बहुत ही अच्छा है, ये फल क्या है, मुझे हर रोज मेरी केयर करता है, ऐसा फल है ये। पति देव है तो।
पूरी ग्रेवी हो चुकी है रेडी मसाला की, और अभी इसमें सब मिक्स करेंगे। लास्ट में डाल दिया नमक जाएगा। वाह, मैसूर डोसा की पूरी बाजी हो चुकी है रेडी। घर का धनिया, बगीचा का ही है, बगीचा का धनिया है ना, ये धनिया डालेंगे अभी। ऑर्गेनिक धनिया है, ऑर्गेनिक धनिया, घर का धनिया भी डाल चुका है। तीखी नहीं बनाएंगे क्योंकि दादा बोल रहे थे बहुत तीखा नहीं खाते दादा। अच्छा, उसके लिए नॉर्मली बनाया है। ये बनने जाएगा डोसा, ठीक है। पूरा खीरू रेडी है, खीरू कर दिया है और अभी जा रहा है डोसा बनने के लिए। वाह, तो पहली प्लेट यहाँ पे रूही ने खाना कर दिया शुरू, और ये है दूसरी, और बहुत ही मस्त किंजल के हाथ का डोसा राउंड एंड राउंड बनना हो गया शुरू भाई। बहुत ही चकाचक बना दिया किंजल सही में। और अभी इसके ऊपर क्या जाएगा? अभी ये भाजी थोड़ी डालूंगी, थोड़ा मुल मुलायम हो जाए। दोनों रायुड़ी है, रायुड़ी यहाँ पे रूही खाना खाने बैठ गई है। और यहाँ पे देखो रूही का जलवा हो गया शुरू। रूही कैसा लग रहा है? यहाँ पे तीनों चीज, एक तरफ डोसा है, चटनी और वो सांभार, तो सब रेडी हो चुका है और अभी हम खाना कर दे शुरू। अभी इसके ऊपर जाएगा मुलायम मुलायम तरीके से बाजी, मजा आने वाला है आज। ये चीज डोसा बन गया, मैसूर चीज डोसा भाई। डायरेक्ट 50 रूपए बढ़ जाता है चीज डालने से। बाहर जाए दुकानों में जाते ना, चीज वाला चाहिए तो 50-60 रूपए बढ़ जाता है चीज वाला। राउंड एंड राउंड, तो चलिए किंजल अभी टूट पड़ता है। बैठ जाओ, हो गया रेडी। और सही में बहुत ही मस्त टेस्ट होगा, होगा ही होगा, तो टेस्ट तो बहुत ही मस्त होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने देखा उसमें मजा आता है। मैं भाई शादी के 7 साल हो गए टेस्ट में, कभी तब से लेकर अभी तक बना रही हूं। बना रही, तो टेस्ट में कभी बिगड़ा ही नहीं है, तो ये भी 100% आग बंद करके बोल रहा हूँ, टेस्ट लाजवाब होगा। और 7th वेडिंग एनिवर्सरी रही हमारी आज के दिन, और किंजल ने मुझे डोसा खिलाया, लेकिन मैं उनको कुछ ना कुछ दूंगा गिफ्ट, आज नहीं दूंगा क्योंकि आज क्या कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ, तो ज्यादा दूंगा। आपको प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं, आपको प्यार चाहिए और कुछ, वो तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस ऐसा ही है, आज 7th वेडिंग एनिवर्सरी रही, बहुत ही बढ़िया रहा, और रोहित दूसरा डोसा मांग रही है, उसको बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो ऐसा है, डोसा के ऊपर डोसा बन रहा है और हम खाना करते शुरू। हाँ बेटा, अरे ले ले मारो, अच्छे ले ले बेटा। तो चलिए बस आज ऐसा रहा, और फाइनली आरोही को सही हो गया, इसलिए दिल को सुकून मिला, ठीक है। तो हमारी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कौन सी होती है कि आपकी फैमिली खुश रहे, आप खुश रहो। चलिए किंजल, ओके हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए बाय बाय, सबको बोल दो, सबको बाय बाय, और सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, ओके। रोहित क्या करना है? सब्सक्राइब करो, कभी दबाओ जो बाय बाय।